हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10। स्टूडेंट्स, अब प्रीवियस लेक्चर में हमने सीरीज पैरेलल के क्वेश्चंस किए, ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चंस जो। अब स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम वो क्वेश्चंस करेंगे, मतलब वो सर्किट्स जिसमें हमें सीधे नहीं दिखता कि रेजिस्टर सीरीज में है कि पैरेलल में है, ठीक है। ऐसे काफ़ी सर्किट्स होते हैं, हम वो आज देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हमें डायरेक्टली नहीं हमें पता लगता कि सीरीज में लगे हुए हैं कि पैरेलल में लगे हुए हैं। तो उसके लिए एक मेथड होता है जिसको हम वी ज़ीरो या वोल्टेज मेथड भी कह देते हैं। तो वो मेथड आज आपको मैंने सिखाना है और क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है, जिन क्वेश्चंस में हमें सीरीज और पैरेलल की जजमेंट नहीं होगी, ठीक है, उसमें कैसे लगाना है वो देखो। अब स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर, ठीक है, एक सर्किट बना हुआ है। यहाँ से वायर हमने ये लगा दी, यहाँ से वायर ये लगा दी, और हमें पूछा है ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होएगा, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जिन पॉइंट्स के बीच में हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है, उन पॉइंट्स के बीच में हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो, अब स्टूडेंट्स यहां पे बैटरी कनेक्ट है, ठीक है। अब जैसे मर्जी पॉजिटिव टर्मिनल चाहे इधर लगा दो, इधर नेगेटिव लगा दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वी वोल्ट की मैंने बैटरी लगा दी, ओके स्टूडेंट्स। तो अब आपको पता है यहां पे हम वी पोटेंशियल मान लेते हैं, यहां पे हम जीरो मान लेते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि पॉइंट पे किसी भी वायर पे पोटेंशियल सेम रहता है, तो यहाँ पे भी वी होएगा, 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 ठीक है, यहाँ पे भी वी होएगा, ठीक है, यहाँ पे भी वी होएगा, यहाँ पे भी वी होएगा, वी 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 वी, यहाँ पे सभी जगह वी वी वी, तो यहाँ पे भी वी होएगा, ठीक है, यहाँ पे भी वी होएगा, ओके स्टूडेंट्स। चलो, अब यहाँ पे ज़ीरो है तो यहाँ पे भी ज़ीरो होएगा, ठीक है, यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, मतलब वायर पे तो वही रहना है ना। तो यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो आ गया, यहाँ पे भी ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो है, ज़ीरो 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 ज़ीरो, तो यहाँ पे भी ज़ीरो है और यहाँ पे भी ज़ीरो है, ओके। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, वी एंड ज़ीरो के बीच में, V एंड ज़ीरो के बीच में एक लाइन बना दो, V एंड ज़ीरो के बीच में, मतलब V एंड ज़ीरो में लाइन बना दो, ठीक है, कनेक्टिंग लाइन, कनेक्टिंग V एंड ज़ीरो। तो अब देखो, आप तीनों जो रेजिस्टर्स हैं वो V एंड ज़ीरो के बीच में हैं, तीनों जो रेजिस्टर्स हैं वो V एंड ज़ीरो के बीच में है। चलो एक रेजिस्टर मैं ये बना देता हूँ V एंड ज़ीरो के बीच में, ठीक है, एक मैं ये बना देता हूँ V एंड ज़ीरो के बीच में, एक मैं ये बना देता हूँ V एंड ज़ीरो के बीच में, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, ये भी R का है, ये भी, इसका भी रेजिस्टेंस R, इसका भी रेजिस्टेंस R, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R बाय थ्री, ठीक है। एक का रेजिस्टेंस लिखो डिवाइडेड बाय कितने लगे हैं पैरेलल में, अगर आइडेंटिकल लगे हों तो R बाय थ्री इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें डायरेक्टली नहीं पता लग रहा था कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, ठीक है। उन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए हम वी ज़ीरो मेथड लगाएंगे या वोल्टेज मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब कई बार आपसे ये भी पूछ लेंगे कि अगर बैटरी ऐसे लगी है, ठीक है, बैटरी लगा के आपसे पूछ सकते हैं कि बीच वाले रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या कहेंगे कि करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो करंट इसमें ऐसे ही जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब कि M से N, मगर नहीं, करंट N से M आएगा, क्योंकि ये वाला जो N पॉइंट है, N पॉइंट
का पोटेंशियल ज़्यादा है, एम का ज़ीरो है, एन का वी है, एम का ज़ीरो है, तो हाई टू लो पोटेंशियल करंट फ्लो करता है, ठीक है, तो हमेशा एन से एम करंट फ्लो करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बहुत और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि तीनों रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं और बीच वाले में मतलब नॉलेज के लिए बीच वाले रेजिस्टेंस में जो करंट है वो एम से एन नहीं जाएगा, एन से एम जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, ऑल रेजिस्टर्स आर आइडेंटिकल ऑफ रेजिस्टेंस आर, ठीक है। तो इसमें भी मैं यही करता हूँ, बैटरी लगा देता हूँ, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, बैटरी चलो पहले एक दो क्वेश्चंस में लगा लेते हैं, फिर बाद में तो अंडरस्टूड हो जाएगा, ठीक है। तो वी वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पे वी है, यहाँ पे ज़ीरो है, तो वी 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 वी, यहाँ पे भी वी आ गया। तो अब देखो ऊपर, यहाँ पे भी वी, यहाँ पे भी वी, यहाँ पे भी वी आ जाएगा, यहाँ पे भी वी आ जाएगा, ठीक है, और नीचे भी वी वी वी, यहाँ पे भी वी आ जाएगा, यहाँ पे भी वी आ जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही ज़ीरो 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 ज़ीरो, ठीक है, ऊपर देखो तो यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पे भी नीचे भी ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है। तो वैसे ही वी एंड ज़ीरो के बीच में लाइन बना लो, ठीक है। तो अब देखो, चलो ऐसे लाइन बनाओ, चलो अब देखो वी एंड ज़ीरो के बीच में, ये पहला रेजिस्टर ये वी एंड ज़ीरो के बीच में लगा हुआ है, ठीक है। अब आप देखो ये वाले रेजिस्टर्स, ये स्टूडेंट्स ये किसका निशान है, किसका सिंबल है, वायर्स जो कि कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, ये वाली वायर इस वाली वायर के ऊपर से जा रही है, ठीक है ना। तो अब ये वाला मैंने बना लिया, अब ये वाला देखो, ये भी दोनों वी एंड ज़ीरो के बीच में है, ठीक है, तो वी एंड ज़ीरो के बीच में मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है ना। तो चलो इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो देखो वी एंड ज़ीरो के बीच में ये भी आ रहा है, सभी आइडेंटिकल है, ठीक है। तो हमारा कौन कौन सा कवर हो गया, ये वाला कवर हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। अब ये वाला बना देते हैं, अब ये वाला रेजिस्टर और ये वाला रेजिस्टर भी वी एंड ज़ीरो के बीच में है, तो वी एंड ज़ीरो के बीच में दो और रेजिस्टर बना लेते हैं, ठीक है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक है। तो ये भी कवर हो गया हमारे पास, ये भी कवर हो गया, एक रह गया, और ये भी वी एंड ज़ीरो के बीच में है, तो इसको भी वी एंड ज़ीरो के बीच में बना लेते हैं आर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मतलब कि अब ये देखो सिंपल सर्किट बन गया, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है, ठीक है। तो पहले दो सीरीज में है, ठीक है, इनका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 2R हो जाएगा, ठीक है, और नीचे वाला तो चलो R है ही, ठीक है। अब उसके नीचे वाला, अब ये दोनों भी सीरीज में है, तो ये रहा 2R, ठीक है, और उसके नीचे भी R है, तो मतलब कि ये हमारे A एंड B पॉइंट्स हैं, ओके, ठीक है। अब 2R और 2R, 2R एंड 2R आइडेंटिकल हैं, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2R बाय 2 मतलब R, ठीक है, तो इसका भी R हो जाएगा, इसका भी R हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इन दोनों का R इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो अब इस R और इस R का, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, R बाय 2 आएगा, ठीक है, तो R बाय 2,
तो अब इन दोनों का इक्विवेलेंट, ये दोनों पैरेलल में है, कौन R एंड R बाय टू, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ R इंटू आर बाय टू, ठीक है, R प्लस आर बाय टू मतलब 3R बाय टू, तो ये टू कैंसिल हो गया, एक R कैंसिल हो गया, तो R बाय थ्री इज द करेक्ट ऑप्शन, C इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें भी हमें पता नहीं लग रहा था कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, हमने उसको वी जीरो मेथड के साथ सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई और सिंप्लीफाई करके हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट अब थोड़ा थोड़ा और मतलब कि मुश्किल करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब जैसे ये है, अब यहाँ पे भी नहीं पता लग रहा सीरीज में है कि पैरेलल में है, बिल्कुल नहीं पता लग रहा, ठीक है। तो ए एंड बी के बीच में हमने निकालना है, ठीक है, तो ऑब्वियस है ए एंड बी के बीच में बैटरी बना देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे वी है क्योंकि वी वोल्टेज की बैटरी ली है हमने, ठीक है, तो ये ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है, यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, तो यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, सभी पॉइंट्स पे ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, ठीक है, यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है, यहाँ पे भी ज़ीरो। ओके है ना, क्योंकि ज़ीरो के साथ हमने ये लगा दिया, और वी के लिए यहाँ पे वी, यहाँ पे वी, यहाँ पे वी, यहाँ पे वी। ओके स्टूडेंट्स, ये जो बैटरी के साथ वायर बनाई है ना, ये ऊपर से जा रही है इसके, चलो थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ, कंफ्यूज मत होना, ऊपर से जा रही है ऐसे, ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब वैसे ही वी एंड जीरो के बीच में लाइन बना लो। अब देखो V एंड ज़ीरो, सभी रजिस्टर्स V एंड ज़ीरो के बीच में है, ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना वैसे वैसे आपको पता लगता जाएगा, मतलब बैटरी भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये तो समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ, ठीक है। सीधे इस पॉइंट को A, पॉइंट को V लिखो, ठीक है, और B को ज़ीरो लिखो, तो B अगर ज़ीरो है तो वायर, ये पूरी वायर है, सभी जगह ज़ीरो होएगा, ठीक है, और हमें दिख रहा है सभी जो रेजिस्टर्स हैं वो वी एंड ज़ीरो के बीच में, मतलब सभी पैरेलल हैं, ठीक है। तो चलो इसको बना लो, ये एक रेजिस्टर हो गया वी एंड ज़ीरो के बीच में, ठीक है, मतलब ये वाला बना दिया, और ये ऊपर वाला भी वी एंड ज़ीरो के बीच में आर, ठीक है, ये भी हो गया। अब ये वाला बना लेते हैं, ठीक है, ये भी वी एंड ज़ीरो के बीच में आर, ठीक है, और अब ये वाला रह गया, ये भी बना लेते हैं, मतलब चारों कवर हो गए हमारे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, चारों पैरेलल में, एक का लिखो डिवाइडेड बाय फोर कर दो, तो आर बाय फोर इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब इसमें देखो थोड़ा सा चेंज होगा इसमें। अभी तक हमने देखा था वी एंड ज़ीरो से काम चल रहा था, ठीक है, अब इस क्वेश्चन में चलो देखते हैं, ठीक है। तो ए एंड बी के बीच में हमने बैटरी लगाई है, ए एंड बी के बीच में, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वी होएगा और ये ज़ीरो होएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे वी एंड ज़ीरो से ना बात नहीं बन रही है, वी एंड ज़ीरो से बात नहीं बन रही है, मुझे एक और पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि देखो आप, वी एंड ज़ीरो में अगर मैं लाइन बनाता हूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पे वी एंड ज़ीरो के बीच में मतलब कि हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूँ, एक पॉइंट इसे एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, और बीच में एक्स बना लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब वी एक्स, अब ये वी है तो ये भी वी होएगा, ये भी वी होएगा, ये भी वी होएगा, ये वी है वी, ये भी वी, ये भी वी, ये भी वी होएगा, ठीक है। तो आप देखो,
वी एंड एक्स, ये भी रजिस्टर वी एंड एक्स के बीच में, ये भी वी एंड एक्स के बीच में, मतलब कि तीन रजिस्टर्स वी एंड एक्स के बीच में हैं। ठीक है, एक ये हो गया वी एंड एक्स के बीच में, एक ये हो गया वी एंड एक्स के बीच में, और एक ये हो गया वी एंड एक्स के बीच में। ठीक है, मतलब कि सभी का रजिस्टर रजिस्टेंस भी 3R गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, तीन रजिस्टर हो गए, चार है, और चौथा कहाँ पे लगा हुआ है? एक्स एंड जीरो के बीच में, चौथा लगा है एक्स एंड जीरो के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन था, इसमें वी जीरो से बात नहीं बन रही थी, एक और पॉइंट लेना पड़ा बीच में। अब हमें दिख रहा है, अब हमें लाइन बना दी हमने वी जीरो के बीच में, लाइन बना दी और बीच में एक पॉइंट ले लिया एक्स। ठीक है, ये पॉइंट ले लिया हमने एक्स। तो अब उसके बाद क्या हुआ, हमने देखा कि V एंड X के बीच में ये तीन रजिस्टर्स लगे हुए हैं, V एंड X के बीच में, और एक X एंड जीरो के बीच में। तो मैंने वैसे ही किया, V एंड X के बीच में तीन रजिस्टर्स 3R 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 के बना दिए, और X एंड जीरो के बीच में मैंने R बना दिया। ठीक है, तो अब आप देखो, अब ये बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया है। ठीक है, ये सर्किट सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये तीन पैरेलल में लगे हैं, इनका इक्विवेलेंट क्या होएगा, 3R बाय 3 मतलब R हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा भी R है, और दूसरा भी R है, तो ये R और ये R, मतलब कि अब आंसर क्या आ जाएगा, 2R, 2R इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो और भी कर लेते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज आल्सो इजी। अब इसमें वैसे ही ए एंड बी के बीच में यहाँ पे वी बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी वी होएगा, यहाँ पे भी वी होएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ज़ीरो बना लेता हूँ बी पे, तो यहाँ पे भी ज़ीरो होएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ज़ीरो होएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप देखो, इसमें भी वी एंड ज़ीरो से मेरी बात नहीं बन रही है, मैं क्या करता हूँ, इस साइड एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक्स होएगा, यहाँ पे भी एक्स, एक्स एक्स, यहाँ पे भी एक्स होएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब 4 ओम जो है वो भी वी एंड एक्स के बीच में है, और 12 ओम है ये भी वी एंड एक्स के बीच में है। ठीक है, और 6 ओम है ये एक्स एंड जीरो के बीच में है, और जो 3 ओम है ये भी एक्स एंड जीरो के बीच, क्योंकि ये एक्स है ना, तो सभी जगह यहाँ पे एक्स, यहाँ पे भी एक्स। ठीक है, एक्स नीचे भी होएगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक्स, तो एक्स इधर भी है और एक्स इधर भी है। ओके स्टूडेंट्स, तो वैसे ही मैं लाइन बनाऊंगा वी एंड जीरो के बीच में, और बीच में एक मैं पॉइंट एक्स भी ले लूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखो वी एंड एक्स के बीच में, वी एंड एक्स के बीच में दिस इज 4 ओम। ठीक है, ये कवर हो गया हमारा, और वी एंड एक्स के बीच में कौन सा है, 12 ओम है। वी एंड एक्स के बीच में 12 ओम है। ओके स्टूडेंट्स, तो दो हमारे हो गए, और 6 ओम जो है वो एक्स एंड जीरो के बीच में, मतलब एक्स एंड जीरो के बीच में कौन सा है, 6 ओम है। ठीक है, और एक्स एंड जीरो के बीच में ये 3 ओम है। ठीक है, एक्स एंड जीरो के बीच में ये 3 ओम है, तो मतलब सिंपल सर्किट बन गया ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, वो आपस में सीरीज में है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर सकता हूँ, 12 × 4 डिवाइडेड बाय 12 + 4 मतलब 16, तो ये आ जाएगा 3 ओम, इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया 3 ओम। ओके, और ये 3 एंड 6 का आपको बताया था, आप 2 ओम याद रखो, 2 ओम। ठीक है, तो अब इनका इक्विवेलेंट क्या हो गया, 5 ओम हो गया। ठीक है, ऐड कर दिया हमने। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चंस थे हमारे वी जीरो मेथड के। ठीक है, अगर वी जीरो से काम बन रहा है तो क्वेश्चन
कर दो, ठीक है। अगर वी ज़ीरो से नहीं बन रहा है तो आपको एक और पॉइंट लेना पड़ेगा एक्स, ठीक है ना। तो जैसे ये क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन में वी ज़ीरो से काम नहीं बन रहा था, बीच में एक और पॉइंट लिया एक्स, ठीक है। तो फिर आप लाइन बनाओगे, लाइन में अगर वी ज़ीरो से बात बन रही तो वी ज़ीरो लिख दो, अगर एक्स लेना पड़ रहा है तो बीच में एक्स लिख दो, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आप रेजिस्टर्स बना दो। तो ये क्वेश्चंस थे जिनमें हमें डायरेक्ट सीरीज एंड पैरेलल नहीं पता लग रहा था, तो हमने ये मेथड, ये अप्रोच लगाई क्वेश्चंस को करने के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में ना हम करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस भी मतलब आते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज भी वही है, उसमें भी आपको पता नहीं लगेगा कि ये सीरीज में लगे हैं कि पैरेलल में लगे हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को टैकल कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।